बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो का टॉपिक है एट्रीब्यूट्स। 9th क्लास की बुक के अंदर यही टॉपिक लिखा हुआ है, एट्रीब्यूट्स इन एचटीएमएल टैग्स। इसको हम लोग डिटेल से समझते हैं अभी। जनरली अ टैग विद एट्रीब्यूट्स कैन बी रिटन एज। एट्रीब्यूट्स के साथ एक टैग को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले टैग का नाम एट्रीब्यूट 1 यहाँ पर डालेंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें एट्रीब्यूट 1 इक्वल टू और इसकी वैल्यू, एट्रीब्यूट 2 इसकी वैल्यू डबल कोटेशन के अंदर। इस तरह से हमारे जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं यहाँ पर हम लोग एन तक लिख के आगे वैल्यू लिख देंगे। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर पैराग्राफ टैग है और साथ अलाइन इसके जो है एक एट्रीब्यूट है। इक्वल टू के बाद अलाइन कहाँ करें, सेंटर में। और इसके बाद जो जिस कॉन्टेंट को, जिस पैराग्राफ को हमने अलाइन करना है उसको यहाँ पर लिखें कंटेंट की जगह पर और टैग को क्लोज कर दें। ये आज की इस वीडियो में मैंने बताना था, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि टैग्स एचटीएमएल के अंदर सारे कैसे इस्तेमाल होते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको एक दफ़ा जो है सारे टैग्स के बारे में पता चल जाए, जैसा कि फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, फॉन्ट फेस, बोल्ड टेक्स्ट, इटैलिक, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, अंडरलाइन वगैरह वगैरह, इसके लिए मेरे चैनल के ऊपर एक वीडियो मौजूद है जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि एट्रीब्यूट्स इन एचटीएमएल कैसे इस्तेमाल होते हैं। उनको मैं आपको यूज करके भी बता चुका हूँ। यहाँ पर मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हमारे ये लेवल 9 है, उसके अंदर ये कुछ हमें जो है बताया गया है। मतलब यह है कि बुक को अगर हम फॉलो करें तो ये कुछ उसके अंदर है। मजीद टैग्स को सीखने के लिए उस वीडियो को देखें और बाकी जो यहाँ पर हमारे एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम आने वाली वीडियोस के अंदर भी इस्तेमाल करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।